शुरू करते हैं वीडियो। हैदर खान ये फिल्म के नाम है, प्रेजेंट शो देखते हैं बाद में बता दूँ। एप्पल टीवी सैमसंग समझ रहा था मैं, समूह है। रेफ्यूजी आर नॉट टेररिस्ट, दे आर ऑफन द फर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। बेस्ड ऑन ट्रू विक्टिम जमाल कुड़ीतिया शिवनाशा स्लीपर सेल। स्लीपर सेल इतनी खूबसूरत जर्नलिस्ट हूँ। तुमको देख के लगता नहीं है तुम जर्नलिस्ट। Harakat Al-Yakeen, its leader claims to be fighting on behalf of Myanmar's long oppressed Rohingya Muslim minority. लश्कर ऑपरेटर, उसका नाम है छोटा बर्नी और वो चार कंट्री के बीच ऑपरेट करता है। वो जनूरी का खास आर्म्स डीलर है। काम लश्कर का और नाम अरसा का। सरप्राइज करना चाहता था लेकिन रुका नहीं जा रहा। 27 जनवरी को तुम्हारी बहन रिलीज हो रही है। सब भाग रहा है, मर रहा है। आर्मी वालों और सरकार ने मिलकर, सबको पता है आर्मी वाले सरकार ने हर तरह के प्राकृतिक तत्व, राजनीतिक तथा आर्थिक तथा जनता, इन सब ने मिलकर जेनोसाइड किया था मुसलमानों को, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। बेस पे फिल्म बनी है, ट्रू स्टोरी है 110%। उससे ही पहले होता आ रहा था, उसके बाद भी होता आ रहा है, लेकिन आज को जो आज की डेट में है वहाँ की आर्मी और वहाँ के जो गुट बने हुए हैं उसके अंदर ही अंदर, मतलब कि ग्रुप होता है, जनता के अंदर ग्रुप बना हुआ है, वो उन ग्रुप ने और आर्मी ने मिलके, मतलब कि प्री प्लान था पूरा जेनोसाइड मुसलमानों को, मतलब कुछ भी सारी चीज़ें पता, मुसलमानों को जेनोसाइड किया बहुत तरीके से और बहुत दिनों तक किया। उसके बाद आज की डेट में कम से कम वो टाइम हो गया, मुझे साल वाल तो याद नहीं है, इसे देख के थोड़ा बहुत याद आया, मुझे वैसे भूल ही गया था। मतलब नॉर्मल सोच रहा था, ट्रेलर हुआ हैदर खान पढ़ा था मैं फिल्म का नाम भी, लेकिन ये रोहिंग्या का था। तो इसके बाद जो अब वहाँ के गुट और वहाँ की आर्मी में आपस में भिड़न चल रही है, वो भी एक साल से ऊपर हो गया इस चीज़ को। आर्मी वाले उस ग्रुप के भिड़क को मारते हैं, जो पूरी जनता म्यांमार की, वो म्यांमार उसकी पूरी जनता है, वो साथ है उसके सारे ग्रुप के, और जो आर्मी वाले हैं वो अगेंस्ट जनता के। तो आपस में इन लोग का बहुत बड़ा चल रहा है, आप लोग सर्च करो तो आप लोग को मिल ही जाएगा कि इस टाइम भी बहुत तगड़ा चल रहा है। तो उससे आप बताओ वीडियो कैसे चलेगी।